بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear students I welcome to all of you in the online class of FEI I hope you are all fine dear students today we are going to discuss one more and very very interesting topic that is cooling caused by evaporation and it will be the lecture number 9 of the chapter matter in our surroundings so students evaporation हमने discuss की प्रीवियस लेक्चर्स में कि इवापोरेशन क्या होती है तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इस इवापोरेशन से कैसे कूलिंग इफेक्ट होती है तो और इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अर्थन पॉट्स होते हैं जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है उसका भी हम आज इस टॉपिक में जिक्र करेंगे तो स्टूडेंट्स नाउ इवापोरेशन हैज कूलिंग इफेक्ट Cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it draws or takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. So students, क्या होता है? हमने evaporation discuss की कि evaporation क्या होती है? Change of water into vapors on heating or at room temperature also. But evaporation increases on increasing temperature, जो already हमने discuss किया है. तो स्टूडेंट जब लिक्विड इवापरेट होता है तो ये इसको लेटेंट हीट चाहिए ये ड्रा करता है ये ऑब्टेन करता है पहले लेटेंट हीट तब जाके ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है दैट मीन्स तब जाके ये इवापरेट होता है इट नीड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट नीड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ से ये निकालता है कहाँ से ये ऑब्टेन करता है फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस तो स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस तो क्या होता है स्टूडेंट्स हम लिक्विड लेंगे तो ये इवापरेट हो जाएगा तो ये सराउंडिंग से या उस ऑब्जेक्ट से लेटेंट हीट निकालता है इवापरेशन के लिए तो ये याद रखना स्टूडेंट्स का कूलिंग काज्ड बाय इवापरेशन इज बेस्ड on the fact that when a liquid evaporates I repeat when a liquid evaporates jab liquid evaporate hota hai it draws or takes the latent heat of vaporization latent heat of vaporization it draw karta hai from anything which it touches by losing heat this anything gets cooler jo jis object se ye latent heat nikalta hai to wo heat loss karta hai wo object to wo इट दिस एनीथिंग जिस ऑब्जेक्ट से ये हीट निकालता है तो वो कूल होता है वो क्या होता है कूल वो दैट गेट्स कूलर वो कूल बनता है फिर इफ वी स्प्रिंकल अ लिटिल ऑफ स्पिरिट फॉर एग्जांपल पेट्रोल एट आवर हैंड स्पिरिट पेट्रोल इवापोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड बिकॉज स्पिरिट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने हाथ पे थोड़ा सा पेट्रोल के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे अपने हथेली पे पेट्रोल के कुछ ड्रॉप्स या ये जो स्पिरिट होता है इसका कुछ थोड़ा सा ड्रॉप्स या और कोई ये सेंट यानी परफ्यूम डालेंगे किस पे जो लिक्विड फॉर्म में ये होता है परफ्यूम वही हम डालेंगे हाथ पे तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स ये जो पेट्रोल या ये जो स्पिरिट या ये जो जो परफ्यूम आप हाथ पे डालोगे तो ये इवापरेट हो जाएगा और ये इवापरेट हो जाएगा तो हमारा जो हाथ है वो इट विल वी फील कूल वी फील कोल्ड वी फील वेरी कोल्ड तो स्टूडेंट्स क्या होता है ये स्पिरिट जो है इट requires latent heat of vaporization ये इसको latent heat of vaporization चाहिए और ये लेटेंट हीट हमारे हाथ से ऑब्टेन करता है इट टेक्स दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड तो हमारे हाथ से ये हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो दैट इज व्हाई द हैंड लॉसेस हीट एंड गेट्स कूल्ड तो ये हमारा हाथ कूल लगता है हमें कि ये ठंड हुआ है तो बिकॉज दिस स्पिरिट ड्रॉज लेटेंट हीट फ्रॉम आवर हैंड for its evaporation for its vaporization so that means that is why our hand gets cooled the students
वाटर इन अर्थन पॉट्स रिमेन्स कूल इन हॉट समर डेज। तो जो मटका होता है, जो अर्थन पॉट्स होता है, पॉट होता है, उसमें समर डेज में यानी जब गर्मी का मौसम होता है तो वहां पे हम पानी रखते हैं अर्थन पॉट्स में, तो मटके में रखते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो अर्थन पॉट होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स इन इट्स वॉल्स। जो अर्थन पॉट होता है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अर्थन पॉट है, ये मटका है, इसके जो वॉल्स हैं इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वाटर ऊज थ्रू इट। इसीलिए यहाँ पे आप जो पतीला आप देख रहे हैं ये इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ इस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ दिस अर्थन पॉट वाटर ऊज, वाटर टपकता रहता है, छोटे छोटे कतरे यहाँ से निकलते हैं, तो वो छोटे छोटे कतरे जो है वो इवापरेट होते हैं, और इवापरेट होने के लिए वो हीट ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग से और इस मटके से, और रिमेनिंग वाटर जो होता है वो ठंड रहता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा मटका, यहाँ देखिएगा ये थोड़ा वेट है क्योंकि वाटर वाटर ऊज थ्रू दिस पोर्स, तो वाटर ऊज होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ आ जाते हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर इवापरेट होते हैं, इवापरेट होने के लिए वो एक तो हीट इस सराउंडिंग से निकालते हैं और फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर और फ्रॉम द वॉल्स एंड द वाटर इनसाइड दिस अर्थन पॉट गेट्स कूल्ड। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारे अर्थन पॉट्स हैं, गर्मी के मौसम में इनमें पानी रखा जाता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सम ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली कीप सीपिंग, टपकता रहता है थ्रू दीज होल्स टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट। ठीक, दिस वाटर इवापरेट्स कंटिन्यूअसली एंड टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर। ये जो वाटर टपकता है, ये जो सीप होता है, ये वाटर इन पोर से, इन होल से, तो ये इवापरेट होता है कंटिन्यूअसली और इट ड्रॉज, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर। जो इसमें बचा हुआ पानी होता है उससे ये लेटेंट हीट निकालता है और अर्थन पॉट से और सराउंडिंग से, द रिमेनिंग वाटर लॉसेस हीट एंड गेट्स कूलर। जो इसमें वाटर होता है वो लॉस हीट करता है और गेट्स कूलर। इन हॉट समर डेज पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग्स। तो स्टूडेंट्स जो जब हॉट समर डे जब होते हैं तो जो हमारा वेरेंडा होता है जो, तो हम क्या करते हैं उसमें हम पानी छिड़काते हैं, उसमें हम पानी लगाते हैं, और क्योंकि ये जो वाटर है जो हम स्प्रिंकल करते हैं इस वेरेंडा पे या जो पाथ होती है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है उन दिनों समर डेज में, तो ये वाटर आहिस्ता आहिस्ता इवापरेट होता है और ये लेटेंट हीट निकालता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके इवापरेट होता है, तो जिसकी वजह से वो पाथ या जो सराउंडिंग वहां पे होती है वो कूल होती है। तो स्वेटिंग इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हमें स्वेटिंग ज्यादा ज्यादा होती है समर डेज में, तो इससे क्या होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है, क्योंकि स्वेट जब आता है, जब पसीना आता है, तो ये वाटर, ये जो लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल ये जो पसीना होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये जब हमारी बॉडी पे रहता है तो ये इवापरेट होता है, इवापरेशन के लिए, इसको इवापरेट होने के लिए इट रिक्वायर्स लेटेंट हीट विच इट ड्रॉस फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील कम्फर्ट एंड वी गेट कूलर। Wearing cotton cloth, हम cotton cloth क्यों summer days में पहनते हैं? Dear students, wearing cotton cloth in summer days, cotton cloth absorb moisture, sweat, etc. from our body and expose it for evaporation. Evaporation of the sweat cools our body. तो students क्या होता है, हम cotton cloth इसलिए summer days में पहनते हैं क्योंकि ये जो cotton cloth होते हैं तो ये absorb करते हैं moisture, पसीने को ये ज्यादा moist यानी absorb करते हैं, जो moisture यानी जो ये होता है स्वेट फॉर्मेशन ज्यादा होती है समर डेज में, तो ये एब्जॉर्ब करता है ये कॉटन क्लॉथ उस स्वेट को, तो फिर क्या होता है एंड इट इज एक्सपोज फॉर इवापरेशन, तो फिर इवापरेट होता है आहिस्ता आहिस्ता, और इसको इवापरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहे जो हमारी बॉडी से वो निकालता है और सराउंडिंग से निकालता है, एंड इवापरेशन ऑफ दिस स्वेट कूल्स अवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल होती है। वी आर एबल टू सिप हॉट
टी फास्टर फ्रॉम सासर देन फ्रॉम ए कप। तो स्टूडेंट्स जो टी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ये इजी होता है हमें अगर हम किसमें ये पिए, इसमें सासर जो होते हैं, ये जो प्लेट्स होते हैं, क्योंकि कप में कप का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो कप होता है इसका सरफेस एरिया कम होता है, लेकिन जो प्लेट होता है, जो सासर होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवापोरेशन भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो हॉट टी होता है ये जल्द जल्द कूल होता है किसमें, प्लेट्स में, एंड इट इज इजी टू सिप टी इन सासर्स देन फ्रॉम ए कप। तो स्टूडेंट्स द टी कूल्स क्विकली, टी जो होते हैं, जो चाय होती है, ये जल्दी जल्दी कूल होते हैं किसमें, सासर्स में, एज कम्पेयर्ड इन कप्स। तो स्टूडेंट जिसकी वजह से हमें ये इजी होता है टू टेक टी इन सासर्स देन कप्स। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो एयर होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाटर वेपर्स हमें कैसे पता चल जाएंगे कि ये इसमें वाकई हैं? तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एयर अराउंड अस, इसके लिए हम क्या करेंगे वो हम डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। एयर अराउंड अस कंटेन्स वाटर वेपर्स। Water vapors comes in into the air from the evaporation of water present in pools, present in ponds, lakes and rivers and oceans etc. तो स्टूडेंट जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं, ये इवापोरेशन की वजह से जो वाटर होता है पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में और बाकी वाटर बॉडीज है, ये वहाँ से ही वाटर इवापोरेट होता है ये और एटमॉस्फेयर यानी हवा में चला जाता है, ये फिर हवा में रहता है ये वाटर वेपर्स। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हम एक गिलास टम्बलर लेंगे और इसमें हम क्या रखेंगे, आइस रखेंगे, क्रशड आइस रखेंगे इसके अंदर, और बाहर से ये जो इसके वाल्स हैं इस गिलास के, तो इनको हम एक ड्राई कॉटन से, इसको हम क्लीन कॉटन से ड्राई करेंगे। तो अब बाहर से कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, अब ये बाहर से गीला नहीं है, सिर्फ अंदर इसमें आइस है। तो कुछ देर के बाद आप स्टूडेंट्स देखोगे तो यहाँ से वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से बाहर से। तो वो वाटर वेपर्स कहाँ से आए, वो एयर में प्रेजेंट थे, और जब वो इस गिलास के वाल्स के साथ टकराते हैं तो वो कूल होके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये अंदर इसमें आइस है, ये बहुत कूल है। जो वाटर वेपर जब कंडेंस यहाँ पे होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में। तो स्टूडेंट्स किस तरह से हमें प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और प्रेजेंट इन द एयर प्रूव होते हैं। डियर स्टूडेंट्स आज हमने ये जो इवापोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, और हम वियरिंग समर, हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं किसमें, समर डेज में, और कैसे ये अर्थन पॉट में वाटर ठंडा रहता है ड्यूरिंग समर डेज, और कैसे वाटर वेपर्स को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें कि वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में हैं। डियर स्टूडेंट्स आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।